की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट को कैसे कैंसिल कराना है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे लोग मुझसे जो है सवाल कर रहे हैं कि सर हमने जब मेल किया था DOB को अपडेट कराने के लिए, तो उसमें जब मेल में रिप्लाई आ रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे जब SRN नंबर से चेक करते हैं तो उसमें आ रहा है कि जो है अपना पहले वाला बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसको कैंसिल कराइए, फिर से SDM ऑर्डर वाला जो है जन्म प्रमाण पत्र करके बनवा के फिर से आपको इनरोलमेंट कराना होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से कैंसिल होता है, कितने दिन में कैंसिल होता है, ठीक है, और जो है इसका प्रक्रिया क्या है, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस टॉपिक पे जो है पूछ रहे हैं कि हम अपना जो है डॉक्यूमेंट कहाँ से कैंसिल कराएं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप जो है नए जो है सब व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर जुड़ जाएंगे तो आपका 100% जो है लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों लिमिट क्रॉस के हर टॉपिक पे जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ कि जन्म प्रमाण पत्र जो है कहाँ से कैंसिल होगा, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लोग जो है पहले फर्स्ट टाइम में जब डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कराते हैं, ठीक है, तो उनको ये नहीं पता होता है कि हमारा किस डॉक्यूमेंट से पहले जो है अपडेट हुआ था। क्यों नहीं पता होता दोस्तों? क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे लोग जो है जाते हैं आधार सेंटर पे, ऑनलाइन सेंटर पे, जनसेवा केंद्र पे, वहाँ पे जाने के बाद उनको कहते हैं कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और हमें डेट ऑफ बर्थ को जो है अपडेट कराना है, ठीक है। तो जो जनसेवा केंद्र वाले होते हैं ऑपरेटर, वो क्या करते हैं मैनुअल जो है डुप्लीकेट जो है बना के डॉक्यूमेंट उससे अपडेट कर देते हैं दोस्तों, उससे आसानी से अपडेट हो जाता है। उसके बाद से जब सेकेंड टाइम उनको जरूरत पड़ती है डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कराना, तब पता चलता है कि हमारा लिमिट क्रॉस जो है हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो जब सेकेंड टाइम जब आप लोग अपडेट कराने जाते हैं तो आप जो है आधार कार्ड में एक ही बार जो है डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर दूसरी बार जो है अपडेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए UIDAI का नियम जो है अलग होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके आपका फिर जाके आपका जो है डेट ऑफ बर्थ अपडेट होगा दोस्तों, ठीक है। तो किन लोगों का जो है आधार कार्ड में जो है बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल कराना होता है, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों, जैसे बहुत सारे लोग जो है फर्स्ट टाइम में जो है मार्कशीट से DOB अपडेट कराए होंगे, उनके लिए तो खुशखबरी है, ये वीडियो एंड तक देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको जो है बहुत ही जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे लोग जो है पहले मार्कशीट से जब अपडेट कराए होते हैं तो सेकेंड टाइम जब अपडेट कराने जाते हैं तो उसमें जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र लगता है, ठीक है। नॉर्मली जन्म प्रमाण पत्र जो है उसमें नहीं लगता है, आपको जो है ओरिजिनल बिल्कुल नगर पालिका, ठीक है, से जो SDM वाला जन्म प्रमाण पत्र होता है उसको बनवा के फिर आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, उसके बाद इनरोलमेंट करा के फिर मेल करना होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से 100% दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 90 दिनों के अंदर में आपका लिमिट क्रॉस जो है 100% अपडेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उन्हीं लोगों का अपडेट नहीं होता है जिनके आधार कार्ड में जब फर्स्ट टाइम अपडेट हुआ था, ठीक है, जन्मतिथि, तो उसमें उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र लगा लिया था या जो है उनको पता ही नहीं रहता कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगा है, उन्हीं लोगों का प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ठीक है। तो घबराए नहीं, आप लोग अगर पहली जो है जन्म प्रमाण पत्र लगा चुके हैं तो उसके लिए सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ दोस्तों। जहां से भी आपने जन्म प्रमाण पत्र बनवाया होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी, तो वहां पे आपको जाना है और जो आपका जन्म प्रमाण पत्र का डिटेल होगा उनको दिखाइएगा कि मैंने आपके वहां से जन्म प्रमाण पत्र इश्यू कराया था, उसको कैंसिल कराना है, ठीक है। कैंसिल करा के जो है हमको दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है दोस्तों, सारी डिटेल उनको बताना ताकि वो समझ जाए। उसके बाद से जो है आपको कैंसिलेशन लेटर लेना है, ठीक है। वो जब आपको एक कैंसिलेटर लेटर मिल जाएगा यानी लिखित होता है, उसको बोलते हैं बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिलेशन लेटर, ठीक है। उसके बाद से आपको जो क्या करना है, वही कैंसिलेशन लेटर लेके SDM ऑर्डर में जाके न्यू जन्म प्रमाण पत्र का अप्लाई करना है SDM वाला। उसके बाद से फिर आपको जो है इनरोलमेंट करवाना होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर के फिर मेल करोगे दोस्तों, ठीक।
उसके बाद से दोस्तों जो है आपका 100% जो है दोस्तों लिमिट क्रॉस 90 दिनों के अंदर में जो है अपडेट हो जाएगा दोस्तों। तो ये प्रक्रिया से जो है आप अपने आधार कार्ड से जो है बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करा सकते हैं, ठीक है। वो जहां से भी जो है बनवाया जाता है जन्म प्रमाण पत्र, वहां ऑप्शन होता है, ठीक है, वो साइड में जो है एक्टिवेट रहता है। जब वो जिसने बनाया होता है वो कैंसिल कर देता है तो वो सारा काम करना बंद कर देता है और आप जो है न्यू जाके अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा के आसानी से काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको जो जहां से भी हैं आप वहां के जो है जन्म प्रमाण पत्र जहां से बनवाए थे वहां जाइए और आसानी से जो है दोस्तों अपना ये आधार कार्ड में जो है बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करा के कैंसिलेशन फॉर्म लेटर जरूर ले लीजिएगा, उसके बाद से ही जो है न्यू बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना दोस्तों, ठीक है। तो इतना प्रोसेस करना होता है, बस आप लोग जो है इजी है कर सकते हैं। उसके बाद से आप चाहें तो एडीएम ऑर्डर वाला जो जन्म प्रमाण पत्र है बन जाने के बाद से आप चाहें तो रीजनल ऑफिस जा सकते हैं, नहीं तो नियर बाय इनरोलमेंट सेंटर होता है वहां पे जाके अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं दोस्तों। करवा के आपको UIDAI के मेल पे मेल कर देना है, ठीक है, और 1947 पे कॉल करके कंप्लेन भी कर देना है ताकि आपको SRN नंबर जो है मिल जाए और आपका कंप्लेन भी दर्ज हो जाए दोस्तों, ताकि बहुत सारे लोग जो मेल करते हैं उनका मेल जो है पहुंच नहीं पाता है। तो इसीलिए जरूरी होता है कि आप अपना ईमेल करने के बाद 1947 पे कंप्लेन कर दे ताकि आपका जो है कंप्लेन रजिस्टर हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो यही सोल्यूशन है और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय, टाटा, खुदा हाफिज़।